हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि सब अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, बात करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में। ठीक है, तो इससे पहले मैथ्स का जो है मैंने वीडियो बना दिया है, और आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स की जगह जो है साइंस की बात करने वाले हैं। साइंस में हम लोग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से, तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने चैप्टर वाइज वेटेज भी बताया साइंस वगैरह का, तो वो वेटेज अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखिए, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा वो सारे वीडियोस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, तो चलो बच्चों और स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो जैसा आपको मालूम है कि ये आपका जो एग्ज़ाम है कुछ दिनों में होने वाला है, तो आपका 40 मार्क्स का जो रहता है साइंस फर्स्ट होता है, और 40 मार्क्स का जो बच्चों होता है 40 मार्क्स का साइंस सेकेंड होता है। तो इसके बीच में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से एग्जाम में आ सकती है। तो जैसा पहला चैप्टर आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है, तो इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो कुछ फिगर्स वगैरह आपको याद रखना है, कुछ पॉइंट याद रखना है। ठीक है, जैसे आपको म्यूटेशन है तो म्यूटेशन आपको याद रखना है, म्यूटेशन क्या होता है इसके बारे में ये अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आ गया, हम लोग बात करते हैं सीधा, हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और देखेंगे उसकी तरफ। पर इससे पहले ये जो फिगर है इस फिगर को आप याद रखिए, कौन सा पोजीशन में क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये फिगर आपको याद रखना है इसकी। ठीक है, तो ये फिगर थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो ये फिगर पे क्या रहता है बस नाम याद रखना है। ठीक है, और क्या है इसके अंदर वो भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट और देखते हैं। देखो तो अब आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन है ना, क्वेश्चन एक्सरसाइज के ऊपर। तो पहला है आपको ये याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पार्ट आपको इम्पॉर्टेंट है, ये जो चार्ट रहेगा, चार्ट आ सकते हैं, ये चार्ट आपको करना है, अच्छे से करके जाना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है इसके अंदर, ये देख लेते हैं डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल, है ना। तो डार्विन का जो थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन के बारे में वो आपको याद रखना है, इवोल्यूशन है वो भी याद रखना है, तो ये दोनों आपको करके जाना है। उसके साथ साथ ये जो सी वाला है एम्ब्रियोलॉजी, ये भी आपको करना है, ये तीनों क्वेश्चन करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके अंदर आपको ए वाला करके जाना है। ठीक है, ए वाला, फिर उसके बाद आपको करके जाना है डी वाला और ई वाला। डी है और ई वाला, डिफाइन फॉसिल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये करना ही आपको कैसे भी करके। ठीक है, ये कर लेना आप लोगों को बच्चों, याद रखिए जो भी मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से करके जाना है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको करके ही जाना है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। ये देखो, ये फिगर आपको करके जाना है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये आपको करके जाना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाम वगैरह लिखने आ सकता है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, ये ग्राफ वगैरह भी आपको कर लेना है अच्छे से। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज पे जाएंगे, और ये भी याद रखना है आपको, इसके अंदर जो नाम है ये भी नाम करना है आपको, इम्पोर्टेंट है ये भी। अब ये वाला देखो, ये चार्ट के अंदर देखो, ये पहला वाला चार्ट ये इम्पोर्टेंट है, ये करके जाना आपको अच्छे से, बीच में लिखने आएगा आपको। ठीक है, तो ये चार्ट आपको अच्छे से कर लेना है। इस चार्ट के अलावा कुछ क्वेश्चन और भी मैं बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, तो वो आपको करके ही जाना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंसेस की अगर मैं बात कर लूँ तो बी वाला और सी वाला, मिटोसिस एंड मियोसिस ये वाला, और एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये दोनों क्वेश्चन करके जाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेशन की बात करें तो न्यूट्रिशन और प्रोटीन्स ये आपको अच्छे से करके जाना है, और ये एफ वाला। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन यहाँ से कर लेना है। साइंटिफिक रीजन की बात करें बच्चों तो साइंटिफिक रीजन के अंदर, है ना, साइंटिफिक रीजन के अंदर जो पहला वाला ए वाला है, ए वाला करना, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ये ज़रूरी है। ठीक है, और बी वाला, ये दोनों आपको करके जाना है, और तीसरा भी कर लो। ठीक है, ये तीनों का तीनों आप करके ही जाना है। ठीक है, ये चौथा भी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, ये चौथा भी कर लो। ठीक है, ये आपको करके जाना है। फिर आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में, आंसर इन डिटेल्स में। तो आंसर इन डिटेल्स के अंदर बात करें तो पहला वाला क्वेश्चन जो है आपको करना है, फर्स्ट वाला ए, ये आपको अच्छे से करना है, और सेकेंड वाला जो है ये भी आपको करना है। ठीक है, 4 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको करके जाना है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा।
और यहाँ पे एक ई वाला जो है ये भी कर लेना है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, लाइव प्रोसेस वाला है ना, ठीक है। लाइव प्रोसेस में पार्ट सेकंड जो है इसके अंदर कुछ चीजें मैं बताऊंगा जो आपको करना है, उसको छोड़ना नहीं है जरा भी, क्योंकि एग्जाम के नुक्ते नजर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमको छोड़ना नहीं है किसी भी तरह से। ओके तो आ जाते एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज की अगर हम लोग बात कर लेते तो एक्सरसाइज में बच्चों जो सबसे पहला जो है, पहला एक्सरसाइज के अंदर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखो ये पूरा है, इसके अंदर असेक्सुअल और सेक्सुअल हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स तो आपको करना है ना, उसमें कोई दो राय नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स करके ही जाना है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर गिव द नेम्स, और यहाँ पे क्या दिया, स्केच द लेबल डायग्राम। तो लेबल डायग्राम की अगर मैं बात करूँ तो आप सभी कर लो, ठीक है, एक भी मत छोड़ो, एक इसमें से चांस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको करके ही जाना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट, क्वेश्चन नंबर फोर में। क्वेश्चन नंबर फोर जो है ये दिया हुआ है आपका, इसके अंदर आपको IVF वाला करना है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ IVF, ये करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपको व्हाट इज द ये डी वाला करना है, और ये दोनों आपको करके जाना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर फोर सॉरी, इसके बाद हम लोग चौथा चैप्टर है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, इसको हम लोग करेंगे। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये जो ग्राफ है इसको याद करो, सॉरी चार्ट जो है, चार्ट को याद कर लो अच्छे से, इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, इसको अच्छे से करके जाना आपको। फिर बात करते हैं हम लोग ये जो चार्ट है इसको भी कर लो आप, ये भी आ सकता है, काफ़ी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट और देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो अब आ गए हम लोग एक्सरसाइज के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर बच्चों कुछ पॉइंट जो आपको याद रखना है और इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर थ्री की बात कर लेते हैं, तो पहला ए ये भी करना है, बी चिपको मूवमेंट ये भी करना है, सी बायोडायवर्सिटी ये भी करना है, तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों में से एक भी आपको छोड़ना ही नहीं। क्वेश्चन नंबर सात जो है ग्राफ, ये तो फिगर देख के बताना अपने को, ये भी आपको करना है, ठीक है। ये सिंबल जो है इसके मीनिंग वगैरह बताना है, ये भी आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। डी करना है यहाँ से, ठीक है, डी यहाँ से कर लेना आपको, अच्छे से करना है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से क्वेश्चन करना है और कौन से नहीं करना है। और यहाँ पे ये लिख दो, ए वाला कर लो, ठीक है, सी वाला कर लो, ठीक है। तो ये सारे हो गए, अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर फाइव। चैप्टर नंबर फाइव जो है ये जो फोटोज है ना, ये आपको याद रखना है, तीनों का तीनों, तीनों इंपॉर्टेंट है, ये लिखने आ सकता है इसके बारे में, तो तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको याद रखना है। ये वाला भी फिगर जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर के जितने फिगर सबको कर लेना, एक भी छोड़ना और ना मत, मैं तो यही बोलूँगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चलो एक्सरसाइज कहाँ है भाई, आ जाए एक्सरसाइज, एक्सरसाइज आ गया, तो एक्सरसाइज में बढ़ते हैं और एक्सरसाइज को समझने की कोशिश करते हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो पहला जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कर लो आप, ये आपको करना है। फिर यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो साइंटिफिक रीजन की अगर मैं बात कर लूँ तो साइंटिफिक रीजन में आपको ए करना है, सी करना है, ए करना है, सी करना है, ये दोनों करके जाना है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं एक्सप्लेन द डिफरेंसेस की बात करूँ तो आपको ए बी दोनों ही करना है, एक भी छोड़ना उड़ना नहीं है, ठीक है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग सेंटेंस की बात करूँ, एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल इज नॉट ग्रीन एनर्जी, ये कर लेना है पहला वाला, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ व्हाट आर द एडवांटेज है ना, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ लिमिटेशन ऑफ सोलार एनर्जी, ये करना है, ठीक है। इसके अलावा और बात करते हैं तो हम लोग एक्सप्लेन द विथ डायग्राम स्टेप बाय स्टेप एनर्जी कंजर्वेशन, क्वेश्चन नंबर 10 भी करना है, ओके। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जो मैंने बताया वो सारे आपको करना ही है। और यहाँ पे शॉर्ट नोट क्वेश्चन नंबर 15 ये भी आपको करना है, ठीक है। चलो समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 जो है एनिमल क्लासिफिकेशन। तो 6 वाले को देख लेते हैं, एनिमल क्लासिफिकेशन के अंदर क्या क्या करना रहेगा आपको, वो आपको याद रखना रहेगा, ठीक है। तो भाई चलो ये वाला फिगर जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, तो ये आपको याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं,
ये हो गया आपका एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के अंदर अगर मैं बात करूं तो देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक ये है, ठीक है। तो ये चैप्टर को भी काफी अच्छे से आपको करना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइंटिफिक रीजन की। तो साइंटिफिक रीजन के अंदर आप सी वाला कर लोगे, डी वाला कर लोगे, ठीक है, ई वाला कर लोगे, ठीक है, ये तीनों करना है। अब आगे बात करते हैं हम लोग और क्या करना है इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर। तो करने को तो बहुत चीजें, बट मैं बताता हूँ कुछ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी चीजें इंपॉर्टेंट है, बट पहले ये करो आप, बाकी बाद में करो, ठीक है। आप सी वाला कर लो यहां से, और ये बी वाला कर लो, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप, थर्ड वाला क्वेश्चन ये करोगे। चलो इसमें से यही करना है ना। बाकी जो ऑप्शन वगैरह वाले, ये सब तो आपको करना ही है, ये सब छोड़ना ओड़ना नहीं है, सब करना है। आइडेंटिफाई मी वगैरह जो दिया है ना, ये सब करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, सातवां चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी हम लोग पढ़ लेते भाई, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्या क्या है, क्या क्या आ सकता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको ये चार्ट कर लेना है, पहली फुर्सत में चार्ट कर लेना है, चार्ट खा खा के इस चार्ट को कर लेने के, ठीक है। तो ये चार्ट कर लिया आपने, फिर उसके बाद ये फिलअप कर लो फटाफट, ये मैच द फॉलोइंग कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है मैच द फॉलोइंग, इसका ये करना ही करना है। इसका ये चार्ट भी कर लो, इसके अंदर जितने चार्ट है सब कर लो, सब इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद यू साइंटिफिक रीजन की बात करेंगे, इसके अंदर यूज ऑफ म्यूटेंट्स दिया है ना, और क्या दिया भाई, यूज ऑफ म्यूटेंट्स स्ट्रेंथ हैज बीन द इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। तो पहला वाला कर लो, ठीक है, सेकंड वाला कर लो, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं आंसर द फॉलोइंग के अंदर, ये देखो बैग वाला, प्लास्टिक बैग वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉल्यूशन के हिसाब से, है ना। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द बायो पेस्टिसाइड्स इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये इंपॉर्टेंट है। एफ वाला, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने निशान लगा ली, ये आपको करना है इसमें, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द रोल ऑफ माइक्रो माइक्रोब्स इन कंपोस्ट प्रोडक्शन, ए वाला करना है, बी वाला करना है, डी वाला करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर 8 के ऊपर, और चैप्टर नंबर 8 को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 8 के अंदर जो आप बात करेंगे, तो देख लो भाई एक्सरसाइज में क्या क्या है, क्या क्या आ सकता है एक्सरसाइज में देखते हैं, काफी बड़ा चैप्टर है ये भी, ठीक है। तो मैच द पेयर्स आपको इसके कर लेना है, मैच द पेयर्स छोड़ना ओड़ना है नहीं, पहली फुर्सत में मैच द पेयर्स इसको कर लेना आपको, ठीक है। और फिलअप तो करना ही करना है, वो सब छोड़ना ओड़ने की चीज नहीं है। अब आ जाते क्वेश्चन आंसर के ऊपर, तो बायोटेक्नोलॉजी ये इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं, ये करना आपको, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, नीचे देखते हैं कुछ क्वेश्चन और दिए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन योर ऑन वर्ड्स, खुद के अपने वर्ड्स ऑन वर्ड्स में लिखना है। तो एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ वैक्सीनेशन, ये लिखना है आपको। और एक चीजें और देखेंगे, विच प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस थ्रू बायोटेक्नोलॉजी डू यूज इन डेली लाइफ, ये ए वाला ले लो और डी वाला ले लो, ठीक है। और ये चार्ट तो लेना ही, इंपॉर्टेंट चार्ट है, चार्ट वगैरह नहीं छोड़ने का कभी भी। यूज ऑफ स्टेम सेल्स, ये चार्ट भी लो, चार्ट वगैरह छोड़ना नहीं भैया आपको, ठीक है। तो इसमें हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 9 सोशल हेल्थ है, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो सोशल हेल्थ भैया बहुत जरूरी है, सबके लिए जरूरी है, बिना हेल्थ के तो कुछ काम होने वाला नहीं है, ठीक है। तो हेल्थ वाला आपको देखना है, इसके सारे कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। तो भाई सबसे पहले इसमें एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो यू थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ इश ये दिया है, हॉबीज रिड्यूस स्ट्रेस नंबर 1, और सेकंड वाला ये ले लो, यहाँ पे विच फैक्टर अफेक्ट द सोशल हेल्थ, ये पहला वाला ले लो, और एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड कम्युनिकेशन विथ अदर्स, ये नहीं लो। विच प्रॉब्लम डू द कॉमन मैन फेस ड्यू टू इंटेंस ऑफ साइबर क्राइम्स, ये ले लो बी वाला, ये दो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं व्हाट विल यू डू, ये दिया हुआ है, तो ये पहले के मैंने जो बताया है दोनों, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
ये दोनों बच्चों आपको करना है, इसको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो बिना छोड़े आपको सारी चीजें करना है और याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें और देख लेते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो देखते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में, एक्सरसाइज में आ जाते हैं हम लोग। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, तो राइट नोट्स के अंदर पहला वाला लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद ये लेना डी वाला, ठीक है, राइट नोट्स। एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर कंट्रोल यूनिट, पहला वाला लेना है, ठीक है। और क्या लेना है, ये लेना है ई वाला, डी वाला, ओके। चलो आगे बात करते हैं। ये फिगर, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट, बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये वेरी वेरी वाला इंपॉर्टेंट वाला है, ठीक है, ये कर लेना आपको, ठीक है। अब बात करते हैं आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिजास्टर, ये भी कर लेना है, सातों वाला, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं एक्सप्लेन द वाइज सेट टू लाइक दैट, तो ये नौवा कर लो आप। ये फिगर भी इंपॉर्टेंट, इसको भी कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है साइंस सेकंड। जल्दी मैं साइंस फर्स्ट का वीडियो लाने वाला हूँ, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।